मुर्दाबाद 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 तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी हमारी आवाज नहीं दबेगी नहीं दबेगी नहीं दबेगी युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी युवा विरोधी ये सरकार संघर्ष चलेगी नहीं चलेगी। कल JNU कैंपस में जो छात्र के ऊपर जो लाठीचार्ज करने का काम जो BJP सरकार ने किया है, क्यों ये BJP का और RSS का कार्यकर्ता मुंह पे पट्टी बांधकर अंदर के घुस के जो लाठी चलाना जो छात्र के ऊपर हमला करने का काम इन लोग ने किया है, जो बाहर निकल के समय में आप देख सकते हैं कम से कम 100 लोग पुलिस के सामने डंडा लेके निकल सकते हैं, उन लोग के लिए कोई पुलिस रुकवाई नहीं होता है, क्यों तो वो पूरा UVP का लोग है। प्री प्लान जो कल हमला हुआ है पूरा प्री प्लान है, शर्म आना चाहिए। जो नरेंद्र मोदी अमित शाह लड़ना है तो आगे से लड़ो, क्यों पीछे से लड़ रहा है? हम लोग तैयार है खून देने के लिए, मासूम वो छात्र के ऊपर हमला कर रहे हैं बार बार, क्या किया है वो बिगाड़ रखा है छात्र लोग ने, वो लोग जो आवाज उठाता है इस सरकार के खिलाफ उसको आवाज दबाने का काम, उसको गला घोटने का काम इस सरकार ने कर रहा है, इसके लिए हम छोड़ेगा नहीं है। इस देश को बांटने के लिए आप लोग ने जो कर रहा है, जो भी ऐसा एक भी जो तरीका आपने छोड़ा नहीं है, जो छात्र के लगातार उन लोग के ऊपर गोली चलाना लाठी चलाने का काम आप कर रहा है, शर्म आना चाहिए। पूरा दुनिया में तू कर रहा है, शर्म आना चाहिए। 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ इन लोग ने जानबूझ के जो छात्र के ऊपर लाठी चला के राजनीति करना चाह रहा है। जल्दी से जल्दी, अभी तक एक के ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ, FIR नहीं हुआ, जो पुलिस भी इसके शामिल है। ये महात्मा गांधी जी का देश है, गोडसे का देश नहीं है। आप कुछ भी करो गोडसे देश बनाने में, इसको देश गोडसे देश बनाने में हम लोग छोड़ेगा नहीं है। ये महात्मा गांधी जी का देश है, रहेगा आगे भी रहेगा।